हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमेत्र राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इमेत्र पोर्टल पे एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। वो इमेत्र रिफिल करने के बारे में एक नया नोटिफिकेशन आया, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले किस तरह आप रिफिल वगैरह कर पाए, क्या नोटिफिकेशन है, किस तरह से आप रिफिल करते थे, अभी जो उसमें क्या ऑप्शन है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, इस पर क्लिक करना है और पास इस बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा इमित्र सीएस रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आप संपूर्ण देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं इमित्र के डैशबोर्ड पे, आपको नोटिफिकेशन बता दें जो आज के डेट में जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इमित्र के डैशबोर्ड में। दोस्तों, इमित्र का डैशबोर्ड के बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 6/3/2020 को 9:30 बजे नोटिफिकेशन आया है। आवश्यक सूचना, सभी क्यूएस को सूचित किया जाता है कि अपने इमित्र वॉलेट को रिफिल करने के लिए इमित्र के यस बैंक के अकाउंट में एनईएफटी आरटीजीएस नहीं करें। यानी यहाँ पे बताया कि आप यस बैंक के जो एनईएफटी आरटीजी नहीं करें, एनईएफटी आरटीजी से रिफिल किए गए अमाउंट की आपको लिमिट नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बताया कि अमाउंट की लिमिट आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे कंफर्म कर दे कि आपकी जो एनईएफटी वगैरह करते हो पेटीएम के द्वारा, आपके जो इमित्र अपने जो वॉलेट इमित्र नंबर वगैरह लगे आप रिफिल करते हो, उसे आपको जो लिमिट यहाँ पे स्लो स्लो हो जाएगी। दोस्तों बता दें, ये आरटीजी वगैरह यस बैंक आपको ऑप्शन कहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए इस मैसेज को हमें यहाँ से नोटिफिकेशन क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस पे जाते हैं, फिर वॉलेट पे जाते हैं। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो रिफिल का आपको ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे मिल जाता है, उस रिफिल वाले पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम दोस्तों रिफिल वाले पे क्लिक, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है वीजा एनईएफटी आरटीजी जो यस बैंक के द्वारा आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है आपके अकाउंट वगैरह। यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अभी एनईएफटी वगैरह यहाँ पे बंद कर दिए गए। तो यहाँ पे अनलेबल टू रिमाइंड फाउंड विद एनईएफटी सो फंड द रिचार्ज अकाउंट विल लिए बी चार्जेस। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ऑप्शन ये सभी यहाँ पे आरजेसी करके यहाँ पे अभी बंद कर दिए गए। पता नहीं कब तक ये स्टार्ट हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता था, आपको अपने अकाउंट नेम मिल जाता था, आपको अकाउंट नंबर, बैंक नाम, आईएफएससी वगैरह एड्रेस सब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन जैसे क्लियर होगा उसके बारे में वीडियो पूरी बता देंगे। लेकिन दोस्तों, पहले जो ऑप्शन था ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन था, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये भी आप ट्रांसफर कर पाते थे, ये पहले बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन अभी हटा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर दोस्तों आप इस इन नंबरों के द्वारा आप अकाउंट रिफिल करते थे, अभी आपको बंद कर देना रिफिल, क्योंकि इसका जो मैसेज अभी तक क्लियर नहीं होता, इसलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।